अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज लेक्चर नंबर 86 इन विच वी विल डिस्कस व्हाट शुड बी द अप्रोच टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू ऑफ कंपैरेटिव एग्जामिनेशन लाइक सीएसएस, पीएमएस, जुडिशरी एंड अदर पब्लिक सर्विस इंटरव्यूज, वन पेपर एग्जाम्स हैं, उन सब के लिए कौन सी अप्रोच होनी चाहिए। तो इसका जो जवाब है वो है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म अप्रोच से क्या मुराद है, हम इस बात को डिस्कस करेंगे। और आप स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो अभी रिटर्न पोर्शन की तैयारी कर रहे होंगे, या वो स्टूडेंट्स जो अभी ग्रेजुएशन में हैं या इंटर में हैं और अभी उनको टाइम है, 4 साल का अरसा है, 5 साल का अरसा है, जिसके पास जितना भी टाइम है, आपकी इंटरव्यू की जो तैयारी है वो अभी से आप स्टार्ट कर सकते हैं बाय बिल्डिंग योर पर्सनालिटी, बाय बिल्डिंग योर बॉडी लैंग्वेज और बाय बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट्स। प्रॉब्लम ये होता है, ये हमारे एजुकेशनल सिस्टम का भी एक फॉल्ट कह लीजिए, कि इंटरव्यू की तैयारी के लिए हमें तैयार इदारों में नहीं किया जा इदारों में नहीं किया जाता, बल्कि जब हम रिटर्न पोर्शन क्लियर कर लेते हैं तो उस टाइम हम सोचते हैं कि हमें इंटरव्यू की तैयारी भी करनी है, जो कि सही अप्रोच नहीं है। तो इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ये मेरा अपना कंसेप्ट है और मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा फायदा देगा और ये आपकी उस थिंकिंग को चेंज करेगा। आप अगर अभी स्टूडेंट हैं, एस्पायरेंट हैं, तो आपका वे ऑफ लर्निंग को ये लेक्चर चेंज करने वाला है। इस लेक्चर से आप किस तरह सोचते हैं, आपके कंसेप्ट कैसे बनते हैं, मेरे ख्याल में इट विल बी ए लाइफ चेंजिंग लेक्चर फॉर यू। इससे पहले हमने 3 लेक्चर लिए हैं इंटरव्यू से मुतलिक। लेक्चर नंबर 62 वो मौजूद है इसी प्लेलिस्ट में, इंटरव्यूज की प्लेलिस्ट में। इसका टाइटल है प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएस इंटरव्यू। फिर हमारा एक और लेक्चर मौजूद है 83 का, 83 नंबर, हाउ टू प्रिपेयर योर डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल फॉर इंटरव्यू। और 84 अभी रिसेंटली सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस के इंटरव्यूज हो रहे हैं, तो उसके लिए भी मैंने कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड की हैं लेक्चर नंबर 84 में। बेसिकली ये तमाम जो लेक्चर्स हैं ये शॉर्ट टर्म अप्रोच के बारे में है, कि आपका रिटर्न क्वालिफाई हो चुका है और अब आप इंटरव्यू की तैयारी ही कर रहे हैं, तो ये जो लेक्चर्स हैं ये उनके लिए हैं। शॉर्ट टर्म जो आपने तैयारी करनी होती है आफ्टर क्वालिफाइंग योर रिटर्न एग्जाम। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि आपको अपनी ये अप्रोच चेंज करनी चाहिए। इंटरव्यू की तैयारी जो है वो साथ साथ चलती है। इंटरव्यू की तैयारी आपकी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग है, इंटरव्यू की तैयारी आपका लाइफस्टाइल है, और इंटरव्यू की तैयारी आपकी हॉबीज हैं, हाउ डू यू थिंक, हाउ डू यू एक्सप्रेस, और ये जो स्किल्स हैं, इंटरव्यू इज ए काइंड ऑफ स्किल, जो कि एक ऐसी स्किल है जो कि आप महीनों में नहीं सीखते, बल्कि ये सालों का एक आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको बिल्ड करना चाहिए ओवर द ईयर्स, और आप अपनी हैबिट, अपनी लाइफस्टाइल, अपना वे ऑफ एक्सप्रेशन, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी कम्युनिकेशन स्किल इस तरह बनाएं कि जो इंटरव्यूअर चाहते हैं। तो बेसिकली इस लेक्चर का मकसद ये है कि आपको शॉर्ट टर्म अप्रोच से लॉन्ग टर्म अप्रोच पे शिफ्ट करना है। अब हम थोड़ा सा इन दोनों का फर्क देखते हैं कि क्या फर्क है। जैसा कि मैं इस बात को पहले भी बयान कर चुका हूं कि आमतौर पे होता ये है कि जब कोई एस्पायरेंट अपना रिटर्न एग्जाम पास करता है तो उसके बाद ही वो ये सोचता है कि अच्छा, मुझे इंटरव्यू के लिए अपियर होना है तो मुझे कौन कौन से टॉपिक तैयार करने चाहिए, और वहां पे जाके बहुत सारे 95% एस्पायरेंट ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम जो है वो किसी इंटरव्यू में बैठ रहे होते हैं। बहुत कम परसेंटेज ऐसे एस्पायरेंट्स की होती है जिन्होंने मॉक इंटरव्यूज दिए होते हैं या जो पहले भी जिनका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, शॉर्ट टर्म अप्रोच जरूरी नहीं कि नाकाम हो जाती है कामयाब, लेकिन बेहतर ये है कि आप लॉन्ग टर्म अप्रोच अपनाएं। अब लॉन्ग टर्म अप्रोच क्या है? लॉन्ग टर्म अप्रोच ये है कि जब आप किसी भी क्लास में हो, लेट से यू आर एन इंटरमीडिएट स्टूडेंट और यू आर ए ग्रेजुएट स्टूडेंट या आप कोई मास्टर कर रहे हैं, तो साथ साथ आप उस पर वर्किंग शुरू कर दें। क्योंकि महीने या साल लगते हैं और ये कोई हफ्तों का काम नहीं है, शॉर्ट टर्म अप्रोच में हम विद इन वीक्स तैयारी करते हैं, कुछ हफ्तों में, एक दो महीनों में तैयारी कर लेते हैं।
जबकि लॉन्ग टर्म अप्रोच ये है कि जब आप जो भी मास्टर कर रहे हैं, जो भी आपका एरिया ऑफ स्टडी है, उसी के दौरान ही आप अपना लाइफ स्टाइल ऐसा बनाएं, आप इस तरह की स्किल सीखें, आप एक्सप्रेशन सीखें, आप कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करें कि जो आपके इंटरव्यू में काम आए। इट्स ऑल अबाउट, इंटरव्यू इज ऑल अबाउट पर्सनैलिटी। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पर वर्क कर सकते हैं, नॉलेज बेस को बढ़ाएं। अब होता ये है कि जो पब्लिक सर्विस के एग्जामिनेशन हैं और उनके इंटरव्यूज हैं, वो आपकी नॉलेज बेस को चेक करते हैं, स्पेशली CSS है, PMS है, इवन वन पेपर एग्जाम में भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बहुत सारे किए जाते हैं। आपका कंसेप्ट चेक किया जाता है, आपका जो डिग्री जिस सब्जेक्ट में की होती है उसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपने अपनी डिग्री को सिर्फ इसलिए पढ़ा हो कि आप इम्तिहान पास कर जाएंगे, रिटर्न क्वेश्चन पास कर जाएंगे, तो ये बहुत जाती है अपने साथ भी, अपने डिग्री के साथ भी। आपने अपने आज से मेरे ख्याल में आपको अपना वे ऑफ लर्निंग चेंज करना चाहिए। आप जो भी डिग्री कर रहे हैं उसके अंदर इतना आप इतना उसमें डीप चले जाएं कि आप उसके कंसेप्ट तक आपको जो है वो आपका पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाए और आप उनको एक्सप्लेन कर सकें। आपकी नॉलेज बेस होनी चाहिए, अपने कंसेप्ट बनाएं, और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करें। अगेन, ये इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस जो है, इट इज़ नॉट द मैटर ऑफ वन आर टू वीक्स, ये आपकी एक कॉन्स्टेंट एफर्ट है, और जितनी प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी जो है इंटरव्यू स्किल्स बेहतर होंगी। इंटरव्यू जो है वो एक स्किल का नाम है, और इसी स्किल को डेवलप करते करते साल लग जाते हैं। हम यही काम जो है वो एक दो हफ्तों में करने पे यकीन रखते हैं, जो कि गलत अप्रोच है। और यही मैं कह रहा हूँ कि इंटरव्यू की तैयारी जो है वो आपकी जो रिटर्न की तैयारी के साथ साथ ही चलनी चाहिए। इंटरव्यू जो है वो कोई आपकी एक दो महीने की तैयारी का इम्तिहान नहीं होता। इंटरव्यू आपकी लाइफ का एक इम्तिहान होता है कि आप कैसे सोचते हैं, आपकी नॉलेज बेस क्या है, ओवरऑल आपकी जो कंसेप्ट फॉर्मेशन है वो क्या है। तो इसलिए इस तरीके के साथ हमें अपने जो फील्ड ऑफ स्टडी है उसको लेना चाहिए कि हमें साथ साथ हमारी इंटरव्यू की तैयारी भी होती रहे। अब हम बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म अप्रोच हमने बात कर ली कि ये अडॉप्ट करनी चाहिए। इसके लिए आप अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाएं जो कि इंटरव्यूअर लाइक करते हैं। किस तरह की पर्सनैलिटी होनी चाहिए वो हम उसके ट्रेड्स के ऊपर बात करेंगे। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरव्यू सिंस द डे यू गेट कॉन्शियसनेस ऑफ दिस फैक्ट। जब आपको ये आइडिया आ जाए कि मुझे ये कॉन्शियसनेस हो जाए इस कंसेप्ट की जो कि मैं आपको दे रहा हूँ, तो उसी टाइम से, उसी दिन से आपको यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। और ये याद रखें, रिटर्न की तैयारी और इंटरव्यू की तैयारी पैरेलल होती हैं, कंसेप्ट्स हैं, एक्सप्रेशन है। बल्कि आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके कंसेप्ट बढ़ेंगे, और मैं ये कहता हूँ कि जो आप फॉर्मेटिव क्लासेस में हैं, जैसा कि इंटर है, ग्रेजुएशन है, चलें ग्रेजुएशन कर लें, ग्रेजुएशन से ही आपको इसी पैटर्न पे तैयारी करनी चाहिए, अपनी नॉलेज बेस को बढ़ाएं। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि हाउ टू इंक्रीज योर नॉलेज बेस। उसके लिए टिप ये है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, उसमें कोई भी चीज़, कोई टर्म अगर आपके लिए नई है तो टेक ए पास और उस चीज़ के ऊपर जाएं कि ये क्या है। लेट्स से अगर आप यूक्रेन इशू को स्टडी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जिक्र आता है, या न्यूक्लियर एनर्जी को पढ़ रहे हैं, उसके यूज के ऊपर बात कर रहे हैं, तो चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट का डिजास्टर हुआ 36 में, तो आपको ये ज़रूर थोड़ा सा उस जो स्टडी कर रहे हैं उसको साइड पर रख के देखें कि ये हुआ क्या था। टेक ए फ्यू मिनट्स और उसके नोट्स ले लें कि ये इशू था क्या। अगर आप कोल्ड वार को स्टडी कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो कोल्ड वार के स्टडी के दौरान हो सकता है आपके जहन, आपके सामने एक लफ्ज़, एक क्राइसिस आए, एक टर्म का नाम आए, और वो है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये जब आप कोल्ड वॉर को स्टडी कर रहे होंगे तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का आएगा, तो उस टाइम आपको पॉज लेना चाहिए और अपनी बाकी उसको तैयारी को थोड़ा हाल्ट करके, उस स्टडी को हाल्ट करके आप शिफ्ट हों क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को सर्च करें कि ये क्या था। वो उसका एक आप तैयार कर लें, नोट्स बना लें उसके शार्ट कि ये हुआ क्या था, ब्रीफ सा आइडिया ले लें, और फिर कम बैक टू दैट टॉपिक जो कि आप तैयार कर रहे हैं, यानी कोल्ड वार को तैयार करें, उसके ऊपर वापस आ जाए।
इससे क्या होगा कि आपकी जो नॉलेज बेस है वो बढ़ती जाएगी, जो भी टर्म आए, जो भी इंसिडेंट का जिक्र आए और जिसकी जिसकी डिटेल गिवन ना हो उस किताब में, या जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या जो आप टॉपिक तैयार कर रहे हो, जाहिर है उसमें हर चीज की डिटेल गिवन नहीं होती, वो उसका रेफरेंस आता है उस टॉपिक का, उस टॉपिक के अंदर छोटे मोटे सब टॉपिक्स का रेफरेंस आता है, बट इट लाइज इन यू। अब ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप उनके सब टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया आपको होना चाहिए कि हुआ क्या था। और इंटरव्यू में बाज़ औक़ात क्वेश्चन जो है वो इस तरह कर लिए जाते हैं कि स्पीक ऑन दिस फॉर ए मिनट, तो आपको किसी भी इशू के ऊपर एक मिनट के लिए आप बोल सकें, ये इतना एक मिनिमम होना चाहिए कि एक दो मिनट आप किसी भी इशू के ऊपर इंग्लिश में बात कर सकें। और टिप वही है जो मैंने बयान कर दी कि किसी भी टॉपिक को तैयार करते हुए अगर रेफर किया गया किसी इंसिडेंट को, किसी सब टॉपिक को, तो उसके ऊपर थोड़ा सा आप सर्च कर लें वहीं पे बैठ के, या आप एक एक ऐसी एक डायरी रख लें जिसमें टू बी सर्च टॉपिक जो है उसके नाम से लिस्ट बनाएं कि ये टॉपिक्स जो हैं मैंने, ये रेफरेंसेज हैं, ये टॉपिक सब टॉपिक्स हैं, इनको मैंने सर्च करना है, और फिर हर रोज एक दो दो टॉपिक के ऊपर आप सर्च जारी रखें, उनके ऊपर नोट्स बनाएं। आजकल तो इवन आपके पास आप लैपटॉप पे आप अपने सब जो सॉफ्ट नोट्स हैं वो भी बना सकते हैं, मुख्तलिफ फोल्डर बना सकते हैं हर इशू के बारे में, छोटे छोटे फोल्डर आप छोटे छोटे उसके जो हैं वो बना सकते हैं जिसमें आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन को सेव करते जाएं। तो इस तरीके से आपकी नॉलेज बेस बनती जाएगी, और इसलिए मैं कहता हूं कि इंटरव्यू जो है जब आपका हो तो आपके लिए ये एक रूटीन की बात हो, आप जस्ट वॉक इन करें और ब्रीफ सा अपनी तैयारी करके आए, और आपको ये फील ना हो आपकी, क्योंकि नॉलेज बेस जो है वो दिनों में या महीनों में नहीं बढ़ती, उसके लिए आपको इस तरह का एक एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा जो कि आपके इंटरव्यू के लिए हेल्पफुल होगा। इट्स लाइफ स्टाइल ऑफ लर्निंग, मैं इसको ये कहूँगा। ये हैं कुछ ट्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी जो कि रिक्वायर्ड होती हैं, और ऐसी पर्सनैलिटी को इंटरव्यूअर बहुत लाइक करते हैं। आपकी पर्सनैलिटी को लॉजिकल होना चाहिए, यानी आप जो बात कर रहे हो उसकी लॉजिकल बनती हो, आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं, आपके पास इस बात का लॉजिकल आंसर हो, आपकी पर्सनैलिटी में कंट्राडिक्शन ना हो, आप जो परफॉर्मा फील करते हैं कि मेरी ये हॉबीज हैं, मेरी ये कंट्रीब्यूशन हैं, मेरी ये वीकनेसेस हैं, मेरी ये स्ट्रेंथ्स हैं, जो भी पूछा जाता है आपसे, तो वो आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच कर रही हूँ, और उनमें सच और या एक ऐसा लगे कि ये बाकी ठीक है और उसी लाइन की तरफ जा रहा है। कॉन्फिडेंट होना चाहिए, साफ सुथरे कॉन्फिडेंस जो है वो आपकी नॉलेज बेस से आएगा, जितना आपके पास नॉलेज होगा ना उसी नॉलेज के साथ ही कॉन्फिडेंस आता है। कोई क्वेश्चन अगर ड्राप हो जाते हैं तो कोई इशू नहीं, लेकिन ये है कि जो ओपिनियन क्वेश्चन हैं उसके ऊपर आपका एक थिंकिंग माइंड होना चाहिए। एक सबसे अहम क्वालिटी ये होती है कि आपको सोचना चाहिए, बोलना चाहिए, लिखना चाहिए, थिंकिंग और स्पीकिंग। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इंटरव्यू की तैयारी में, कि इंटरव्यू में आपने बोलना होता है, रिटन एग्जाम में आपने लिखना होता है, तो ये दोनों स्किल डिफरेंट है। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे राइटर हों, बहुत अच्छा लिख सकें, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छा बोल ना सकें, तो उसके लिए सेपरेट आपको प्रैक्टिस चाहिए। बोलने की प्रैक्टिस सेपरेट है, अगर आप अच्छा लिख सकते हैं, आपके आइडियाज लिखते हुए अच्छे आते हैं, जरूरी नहीं कि आप बोलते हुए उसी तरह आपके आइडियाज आपके माइंड में आते जाएंगे, उसके लिए सेपरेट आप अपने आप को ट्यून करना पड़ेगा, सेपरेट आपको उस तरह की तैयारी करनी पड़ेगी, सेपरेट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बैलेंस होना चाहिए आपकी पर्सनैलिटी में, कोई एक्सट्रीमिस्ट किस्म की टेंडेंसी ना हो, एनर्जेटिक आप जब बैठे हों तो एनर्जी शुड रेडिएट फ्रॉम यू, और काम एंड कंपोज्ड होना चाहिए। यू शुड हैव कंट्रोल ऑन योर इमोशंस एंड फीलिंग्स, मैच्योर आपकी व्यूज मैच्योर होने चाहिए, इंगेजिंग मीनिंग thereby कि आप जो कुछ आपको अच्छी तरह आता है उसको उतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकें और बात को आगे बढ़ा सकें, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्सेशनल एबिलिटी। कन्वर्सेशन में अगर आप आते हैं तो आप उनको जवाब दे सकें। पर्सनैलिटी प्रेजेंट होनी चाहिए, ये भी एक आर्ट है, यू शुड लर्न इट। और फिर यू शुड बी रिस्पेक्टफुल एंड कर्टियस और डायनामिक, मतलब आपकी पर्सनैलिटी के अंदर डिफरेंट जो ट्रेड्स हैं, डिफरेंट किस्म की
रहते हैं वो भी होनी चाहिए। लाइक आपकी हॉबीज इस तरह की हो सकती हैं, आपकी कंट्रीब्यूशन हो सकती हैं, आपका जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो इतनी डाइवर्स हैं कि जो आपकी पर्सनैलिटी को डायनामिक बनाएंगी। और फिर आपको अगर मुश्किल सवाल हो रहे हैं तो यू शुड ऑब्जर्व स्ट्रेस, कि आप स्ट्रेस जो है वो आप उसको रिफ्लेक्ट ना करें आपकी बॉडी से और आपकी अपियरेंस से। तो ये है वो पर्सनैलिटी की ट्रेड्स हैं जो कि इंटरव्यूअर की बहुत पसंद होती हैं, और ऐसे कैंडिडेट को जिसमें जो क्वालिटीज हों किसी हद तक उनको वो अच्छे मार्क्स देते हैं और उनको उनके किसी भी जॉब में सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और मैं आप अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद बताता हूँ कि यू शुड इंगेज इन सपोर्ट्स रोजाना। आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट में कुछ पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, कोई भी आपका एरिया स्टडी हो सकता है, लेकिन यू शुड इंगेज इन सपोर्ट्स। नहीं भी आती तो फिर भी सीखने की कोशिश करें, और हो सकता है आपको कोई स्पोर्ट्स कोई अच्छी आप सीख जाएं, उसकी ट्रेनिंग लें। क्योंकि सपोर्ट से ये होता है कि दो तीन किस्म के आपके उसमें फायदे होते हैं। एक तो ये है कि आप स्टडी के बाद जब आपका माइंड थक चुका होता है तो सपोर्ट्स आपको एनर्जी देती है। दूसरा, ये एक अच्छा लाइफस्टाइल की अलामत है। आप ज़्यादा हेल्दी होते हैं, ज़्यादा आपका जो है यू बिकम मोर एनर्जेटिक। तीसरा, आप उस सपोर्ट्स में या कोई भी हॉबी जो जिसमें आप इन्वॉल्व हुए हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास जब आती है या जब उसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो यू शुड गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट, ताकि इंटरव्यू में कुछ ना कुछ पोर्शन जो है इस बारे में सवाल हो सकते हैं आपकी सपोर्ट्स या हॉबी के बारे में। और ए पर्सन विद ए हॉबी, और स्पेशली अगर हेल्दी प्रोडक्टिव हॉबी हो, तो ये आपकी एक सेहतमंद पर्सनैलिटी की, एक सेहतमंद शख्सियत की निशानी है, और यू आर कंसिडर्ड एज ए हेल्दी एंड बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, और ये ऑब्वियसली आपको बूस्ट अप करता है। अब मैं एक और बात कहता हूँ, ये बात मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ लेकिन दोबारा इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि देखें, लर्निंग के 4 चैनल हैं। सबसे पहली चीज है रीडिंग। रीडिंग की जो इनपुट है उसको हम अपनी राइटिंग में लेके आते हैं, यानी जब हम लिखते हैं तो बेसिकली हम जो कुछ पढ़ा होता है वो उसका आउटपुट जो है उसको राइटिंग बोल सकते हैं। कि बहुत कुछ हम रीडिंग से भी सीखते हैं और कुछ जब हम लिखते हुए भी सीखते हैं, हमारे ध्यान में उस टाइम भी आइडियाज आ रहे होते हैं। तो राइटिंग का ताल्लुक रीडिंग से है, जितनी ज़्यादा रीडिंग होगी आपकी उतनी अच्छी राइटिंग होगी। तो ये तो दो चीज़ें हो गई। अब हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर बेस है, या किसी हद तक तीसरी चीज़ जो है वो लिसनिंग है, कि आप टीचर को सुनते हैं क्लास में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अपने कंटेंट को सुनते नहीं हैं। मोस्टली उर्दू मीडियम जो है वो उसका होता है कम्युनिकेशन चैनल, तो चूंकि यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश इन मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज, सो यू शुड लिसन इंग्लिश, यू शुड लिसन योर लेक्चर्स, और यू शुड लिसन द कंटेंट इन इंग्लिश। और ये जो चौथी चीज है स्पीकिंग, इसका तलक लिसनिंग से है। जितनी आपकी लिसनिंग अच्छी होगी उतना आपकी स्पीकिंग अच्छी होगी, और स्पीकिंग के लिए सबसे अहम चीज़ है प्रैक्टिस, और स्पीकिंग वो चीज़ है जो कि आपके इंटरव्यू से रिलेट करती है। अब ये मैं बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे अक्सर तलीमी इदारों से जो फारिग तहसील स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, वो इंटरव्यू में मार खा जाते हैं अक्सर, क्योंकि उन्होंने कब जिंदगी में कभी स्पीकिंग प्रैक्टिस की ही नहीं होती, क्योंकि उनका काम रीडिंग से राइटिंग से चल रहा होता है। वो पढ़ते हैं, पेपर में लिख के आ जाते हैं, उनसे कभी किसी ने क्रॉस क्वेश्चनिंग की ही नहीं होती, उनसे कभी किसी ने कन्वर्सेशनल जो है डायलॉग वो हुआ ही नहीं होता। इसलिए ना तो उनका कंसेप्ट का पता चलता है, और ऐसे लोगों से जब आप ऐसे स्टूडेंट से जब आप बात करते हैं, जब किसी भी टॉपिक के ऊपर बहस करते हैं, तो वो कोलैप्स कर जाते हैं, उनके पास जवाब कोई नहीं होता, उनका कंसेप्ट नहीं होता। उसकी वजह ये है कि वो दे डोंट इंगेज इन डिस्कशन, डिस्कस नहीं करते हैं, स्पीकिंग प्रैक्टिस उनकी नहीं होती, और उस तरीके से कंसेप्ट इवॉल्व नहीं होते। तो मैं जो बात इस लेक्चर में कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि यू शुड इंगेज इन डिस्कशंस, पर्टिकुलरली इन इंग्लिश लैंग्वेज,
जो भी आपके टॉपिक्स हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, और जब आप बोलते हैं, स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो ऑब्वियसली थिंकिंग पैटर्न, उसमें थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, और थिंकिंग प्रोसेस ही इल्म की बुनियाद है, और वही आपकी पर्सनैलिटी को फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। तो मेरे आज के लेक्चर का अगर की नोट है तो वो ये है कि यू शुड स्पीक व्हाट यू थिंक और एंड व्हाट यू लर्न। तो ये है मोस्टली चार जो चैनल्स ऑफ लर्निंग हैं, और होपफुली आपके जो कंसेप्ट हैं इस लेक्चर से किसी हद तक बेहतर हुए होंगे। आज के बाद आप अपनी जो लर्निंग है उसको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर पढ़ें, लेकिन साथ साथ ये भी रखें कि उससे आपका नॉलेज बेस कितना बन रहा है, और ये भी रखें कि जो कुछ आप पढ़ रहे हैं ये आपके इन द लॉन्गर रन क्या आपकी कंसेप्ट का ऐसा बन रहा है, या ये सिर्फ पेपरों की हद तक है और आप पेपर देने के बाद इसको भूल जाएंगे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।